पीयूष और उसके परिवार की कामना पूरी हुई। पीयूष झा ने इस साल नीट परीक्षा में ऑल इंडिया 88वां रैंक हासिल किया। उत्तर पश्चिम दिल्ली के नांगलोई के वंदना विहार में 50 गज के दो कमरों के इस छोटे से घर में पीयूष और उनके चाचा के कुल 12 सदस्यों का संयुक्त परिवार किराए पर रहता है। पिता सिक्योरिटी गार्ड हैं। पीयूष का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आता है। पीयूष ने दिल्ली सरकार के स्कूल से पढ़ाई की, 2021 में पहली बार नीट दिया, नाकाम रहे। हिम्मत और लगन से 2022 में फिर नीट दिया, 14,000 रैंक आई। पीयूष ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी गलतियों से सीखकर तीसरी बार नीट परीक्षा दी और 88वां रैंक हासिल कर लिया। एम्स से डॉक्टर बनने का सपना देखा था जो अब पूरा होने जा रहा है। ये तो पता था क्योंकि ऑनलाइन मतलब यूट्यूब एक्सेट्रा पे मैंने ये काफ़ी देख रखे थे कि बच्चे सीमित संसाधन होने के बावजूद अच्छा स्कोर करते हैं। हाँ। अच्छा रिजल्ट ला के दिखाते हैं, तो ये तो इससे एक प्रेरणा मिली कि हाँ मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा भी लगता था कि क्योंकि मेरे पास सीमित संसाधन है तो मेरे पास मोटिवेशन का एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो कि मुझे गाइड करेगी, जो कि मुझे थ्रू आउट द प्रोसेस मुझे उसके प्रति मुझे कुछ बनना है। हाँ, ये मेरे अंदर ये चीज लाएगी कि मुझे कुछ बनना है। पीयूष अब डॉक्टर पीयूष झा बन सकेगा तो घर में सब खुश हैं। अब तो बहुत खुश हो गए जब मेरा बेटा एम्स में डॉक्टर बन जाएगा। मेरा विश्वास था ये बच्चे जो है हो जाएगा और उसके लिए हम बहुत कुछ करते। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह वो है जो घर से निकले ही नहीं। पीयूष की कहानी आपको दिखाते हुए मन में यही बात आ रही है, कभी कभी कामयाबी मिलने में समय लग सकता है, ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ लड़ाई जारी रखेंगे तो कामयाबी मिलने में देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं। पीयूष जैसे दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़कर नीट क्लियर करने वाले छात्रों की संख्या में इस साल बड़ी बढ़ोतरी हुई। पिछले साल जहां दिल्ली सरकार के स्कूलों के 648 छात्रों ने नीट की परीक्षा पास की थी, वहीं इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 1,074 हो गया है, यानी करीब 66% की बढ़ोतरी। पिछले साल पूरी दिल्ली में कुल 35,113 छात्रों ने ये परीक्षा पास की थी, जबकि इस साल ये संख्या बढ़कर 39,764 हो गई है, यानी करीब 13% बढ़ोतरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर खुशी जाहिर की और ट्वीट किया, बहुत खूब, दिल्ली सरकार के स्कूलों के 1,000 से अधिक छात्रों ने नीट क्वालिफाई किया। कुछ साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सभी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई। कुल मिलाकर इस बात में कोई शक नहीं कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़कर नीट परीक्षा क्लियर करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसमें अभी और बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की जरूरत है। दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ शरद शर्मा, NDTV इंडिया।